हेलो दोस्तों, आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूँ। तो दोस्तों, आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि इस तरह के फ़ोटोज़ कैसे एडिट कर सकते हैं। जो वॉल प्रिंटिंग वाला फ़ोटो है, ये कैसे बनाते हैं वो दिखाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहले आपको एक बैकग्राउंड ले लेना है वॉल वाला, अगर आपके पास है तो अच्छा है, नहीं है तो मुझे कमेंट करना, मैं सेंड कर दूँगा। तो सबसे पहले उस फ़ोटो को ऐड कर लेते हैं, उसके बाद इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं। दोस्तों, अभी इसमें फ़ोटो ऐड करना है, बैकग्राउंड इरेज किया हुआ फ़ोटो ऐड करना है। मैं ऐड कर लेता हूँ, जिस फ़ोटो मतलब वॉल में लगेगी वो फ़ोटो ऐड कर लेना है। सबसे पहले मैं ऐड कर लेता हूँ, इस फ़ोटो वॉल में लगेगी तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या क्या सेटिंग करना पड़ता है। तो सबसे पहले इफेक्ट में जाना है, उसके बाद पोस्टल ऑप्शन जो है पोस्टल, हाँ इसमें क्लिक करना है और इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को। अभी आपको ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाना है और इसको मल्टीप्लाई कर देना है। और इसका जो ओपेसिटी है ये थोड़ा कम कर देना है आपको, ताकि ऐसा लगे कि ओरिजिनल वॉल में पेंटिंग हुआ है। हाँ देखिए, अभी बिल्कुल वैसा ही लग रहा है जैसे कि वॉल में पेंटिंग हुआ है। तो अभी नीचे से इस फोटो का जो नीचे का हिस्सा है वो इरेज कर देना है आपको। तो मैं फोटो का जल्दी इरेज कर लेता हूँ। नीचे से आपको नीचे का हिस्सा जो है वो इरेज कर देना है और उसका हार्डनेस थोड़ा कम करना है। बस ऐसा करके आप लोग देखते रहिए, जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही रेस्ट कीजिएगा। तो देखिए बिल्कुल हो ही गया। तो अब इसको मैं डन कर दूँगा और थोड़ा ब्राइटनेस भी और क्लियरिटी भी थोड़ा अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है आप लोगों को। तो ये मैंने डन कर दिया। अभी ड्रॉ टूल में आपको जाना है, ड्रॉ टूल में, और यहाँ से फ़ोटो ऐड करना है, वो पीएनजी वाला जो खड़ा रहेगा वो पीएनजी वाला फ़ोटो ऐड करना है। तो मैं ऐड कर लेता हूँ। तो दोस्तों, अभी आपको लेयर पे जाना है और एक एम्प्टी लेयर ले लेना है और मिडिल वाला में क्लिक कर लेना है और इसको थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी कर लेना है। तो इसको इनेबल डिसेबल कर देना है नीचे वाला का फ़ोटो। और अभी इसमें क्लिक करके इसमें जो कलर है इसका कलर जो है ब्लैक कर देना है। और अभी जो ऑप्शन है नॉर्मल में है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो दोस्तों, अभी थ्री डॉट में क्लिक करके मर्ज कर देना है आप लोगों को। उसके बाद इसको फिर से इनेबल कर देना है और फिर से थ्री डॉट में क्लिक करके ट्रांसफॉर्म ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद राइट साइड से खींचना है फोटो को क्लिक करके राइट साइड खींचना है तो ये शेडो वाला आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से सेट कर लेना है आप लोगों को। तो अभी इसको डन कर देना है। इसके बाद इसका जो ओपेसिटी है ये 40 से 45 तक ऐसा रखना है आप लोगों को।
अभी जो शेडो का पैरों वाला हिस्सा है, नीचे वाला हिस्सा, यह आपको इरेज कर देना है। मैं इरेज कर देता हूँ, आप लोग देखिए। तो अभी इसको डन कर देना है आप लोगों को। इसके बाद फिर से एड फोटो में जाना है और अपना जो PNG है, जितने सारे मतलब जो अच्छा लगता है वो PNG ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हैं। तो अपना जो PNG है वो ऐड कर लेता हूँ मैं, जो PNG है मेरा मैं ऐड कर लेता हूँ। और इसका जो ब्लेंडिंग ऑप्शन में जाके इसको मैं इसको ओवरले कर देता हूँ, और आप लोगों को जो मर्जी कर सकते हैं, जैसे मतलब अच्छा लगे आप लोगों को। तो दोस्तों मैं और एक PNG ऐड कर लेता हूँ, और इस PNG का जो ओपेसिटी है ये थोड़ा कम करना है, ताकि ऐसा लगे कि ये ओरिजिनल ही है। देखिए अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि ओरिजिनल है। अभी इस फोटो को सेव करके Lightroom ऐप के अंदर ओपन करना है। तो अभी हम लोग Lightroom ऐप के अंदर आ गए हैं। तो इसमें आके आप लोगों को इसका जो कलर है ये थोड़ा एडजस्ट करना है। तो अपना आप लोगों का जो फोटो का कलर है वो अपने हिसाब से करिएगा, मैं अपने फोटो के हिसाब से कर रहा हूँ। और शार्पनिंग थोड़ा रखना है आप लोगों को, डिटेल्स थोड़ा बढ़ा देना है, और जो नॉइस रिडक्शन है ये भी थोड़ा बढ़ा देना है। उसके बाद जो मेन चीज़ है पिगमेंट वाला ऑप्शन, ये आपको देना ही देना है, ये पिगमेंट वाला आप लोगों को देना ही देना है। देखिए अभी फोटो कैसे लग रहा है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और भी फोटो बनाया मैंने, दूसरा कलर का फ़ोटो भी बनाया है, आप लोगों को दिखाता हूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।